इतना लंबा लंबा मिला है ना, मतलब बहुत मिला है ना, लेकिन सबसे ज्यादा ये टेस्टी होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आप लोग का और एक नया ब्लॉग के साथ। फिलहाल ब्लॉग शुरुआत हो रहा है 7:30 बजे से। अभी धूप तो तकरा करके आया है देखो, लेकिन यहाँ पे बारिश का मौसम है, कोई गारंटी नहीं है, कभी धूप कभी बारिश। दोस्तों कभी भी बारिश आ सकता है, सुबह इतना जोर से बारिश दिया था लेकिन सिग्नल भी इतना खराब है ना मत बोलो। कल मैंने पूरा 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मैंने ब्लॉग को अपलोड किया 6-7 घंटा, तब जाके मेरा अपलोड हो गया और उसमें बैकग्राउंड में कॉपीराइट आ गया, तो मैंने वो डिलीट करके आ रहा और नया करके बैकग्राउंड चेंज किया मैंने। अभी जाके अपलोड कर रहा हूँ, अभी 30% ही हुआ है 100% पूरा रात भर रखने के बाद, इतना सिग्नल खराब हो गया ना। तो इसलिए हम लोग का ब्लॉग जो है दोस्तों, ऐसा नहीं बोलना आप लोग कि आप लोग ब्लॉग नहीं बना रहे हो, डेली ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। इसका मौसम में ऐसा ही आगा, मैं पहले भी बोला था 2 दिन में 1 ब्लॉग, 3 दिन में 1 ब्लॉग, कभी कभार 4 दिन भी लग सकते हैं। जब तक सिग्नल खराब आता है तब तक ब्लॉग आ नहीं पाएगा, जब सिग्नल सही होगा तब कंटिन्यू ब्लॉग आएगा दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू बनाएंगे, क्योंकि हम लोग का अभी यही काम हो गया है तो क्या करें। तो अभी एकदम सुबह उठ के मन का मामी क्या बनाया है, अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद देखते हैं प्लान क्या होता है दोस्तों। बनाया कुछ भी सब्जी नहीं है शायद, मेरे को पता है कुछ भी सब्जी नहीं है। ये देखो दाल, और ये है, ये क्या है, रसीली लीप है ना, और ड्राई झींगा। हाँ ड्राई झींगा, और यहाँ पे जो चटनी, हाँ चटनी टोमेटो और ड्राई पीस सुगनी बोलते हैं, और ये बप्पू के लिए दाल होगा, हाँ दाल ही है, बस इसे ही खाएंगे। ये तो कल का सब्जी तोड़ा है, तो अभी खाना खाएगा। लेमन क्या करेगा, खाएगा कि नहीं खाएगा बोलो, नहीं खाएगा शायद। ये लारू देखो, बहुत दिन हो गया लारू को नहीं देख रहा है, जिस दिन मैं आया था उस दिन ही देखा होगा शायद। और अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद प्लानिंग होगा आज का, सब्जी ढूंढने के लिए जाएंगे क्या मन का हमें बोल रहा है, देखते हैं दोस्तों। खाना वाना खा के दोस्तों नाश्ता करके, सुबह कुछ भी सब्जी नहीं था, खाली रसीले लीफ हम लोग बनाया है और टोमेटो का चटनी, बस कुछ भी सब्जी नहीं था, तो इसलिए हम लोग सब्जी वगैरह ढूंढने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आजकल आज तो अभी तो धूप बढ़िया करके दे रहा है, लेकिन बारिश होने से सब्जी वगैरह बेचने के लिए भी नहीं आते गाँव में, तो इसी कारण, और कभी कभार बेचने के लिए आते हैं, तो इसी कारण हम लोग सब्जी ढूंढने के लिए जाएंगे। हम लोग का केला का पेड़ मिलने से भी हो जाएगा, और पदलत पान, और देखेंगे बिम्बू सूत अगर मिलता है तो, नहीं मिलता है तो क्या करें। बापू भी जा रहा है, नीचे में रहेगा, पहले लॉक कर नहीं सकता था ना, अभी लॉक करके जा रहा है। अभी कुछ भी टेंशन नहीं है, विंडो भी बना दिया है, मलका बाबा उस टाइम लुंगले में था ना, तो उसी के बीच में मैंने विंडो, दोनों विंडो खुला था, वो भी बना दिया है। ये देखो चाबी, चलिए नो टेंशन, अभी टेंशन नहीं है, पूरा ताला मार के अभी जा सकते हैं हम लोग लॉक करके। अभी बापू साथ में जा रहा है तो नीचे में रहेगा उधर भैया का उधर, क्योंकि जब भी जाते हैं हम लोग भैया का उधर ही छोड़ के जाते हैं। मेरे को तो जल्दी भूख लगेगा यार, खाना मैं इतना खा नहीं सका ना क्योंकि सब्जी नहीं था, तो इसलिए मेरे को बहुत जल्दी भूख लगता है। बाकी चीज़ें मैं, ये लोग तो दोपहर में अगर मैगी वगैरह रहेगा तो मैगी खाते हैं ये लोग, और चाव खाते हैं, चाय पीते हैं, मैं ये सब नहीं खाता हूँ दोस्तों, खाली खाना ही खाता हूँ, तो इसलिए मेरे को बहुत जल्दी भूख लगता है। गर्म तो तगड़ा है भाई, क्लोथिन लिया, हाँ बारिश देगा तो मोबाइल, साबुन भी लिया है, शैम्पू लिया है, नहा के आएंगे, बहुत अच्छा है पानी वहाँ पे, बहुत बड़ा नदी है। लो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलते हैं दोस्तों। एकदम जंगली लाइफ में बैग आ गए हम लोग, काफी दिन हो गया हम लोग जंगली का लाइफ देख नहीं पा रहा था, तो अभी मतृश्रा में पहुंच गया है दोस्तों, और यहाँ से ढूंढ ढूंढ के जाएंगे हम बिम्बूसूत। और यहाँ पे एक फोन है देखो, जो बिल बोलते हैं ना, जो मछली पला सकते हैं आप लोग, हर टाइम में यहाँ पे पानी रहता है क्योंकि ऊपर से पानी आता है, और यहाँ पे मछली पलाने का इतना सुविधा है ना, लेकिन इस मालिक के पास ऐसा नहीं है कारण, तो इसलिए ये कुछ भी कर नहीं पाता है, मतलब मछली पला नहीं सकता है। अगर दूसरा आदमी होता तो यहाँ से कितना लाखों का इनकम करता है यहाँ पे, मतलब मछली पला के उसमें। तो अभी चलते 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 दोस्तों इतना दूर में 10 किलोमीटर तक पहुँच गया हम लोगों ने भैया का जूम कल्टिवेशन में, और यहाँ पे एक गाँव वाला का घर दिखाई दे रहा है, जूम कल्टिवेशन का घर देखो, सही होता है। और उस तरफ तो भाई जूम दिखाई दे रहा है, सुमन का हमें उस दिन आया था ना ब्लॉग में, पहले अपलोड किया था यार मैं, कल आने वाला था वो ब्लॉग, लेकिन कॉपीराइट आ गया म्यूजिक में, तो इसीलिए डिलीट करना पड़ा, और अब अपलोड में है, अभी अपलोड में है। तो देखो पूरा जूम कर लेगा नहीं, शायद वो होगा भैया का, देखो वो घर जो देख रहा है ना, ये वाला होगा भैया का शायद, और वो भैया का साला का है, लेकिन उसमें दान हो गया यार, ये देखो पूरा दान हो गया, ये किसी और का है शायद, अभी तक अभी क्लीन कर रहा है शायद, दान लगाया कि नहीं लगाया मालूम नहीं भाई, इतना दूर में वो लोग काम कर रहे हैं, हो जा रहा है देखो। इस बार तो जो जूम कल्टिवेशन करता है ना गांव वाला, एक बार वो गांव वाला बोल रहा था कि ऐसे गर्मी में तो
इस साल मर जाएंगे, कैसे जूम कॉलिबेशन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करेगा दोस्तों। पेट के लिए करना तो पड़ता है, पेट के लिए नहीं करेगा तो कैसे होगा, क्योंकि जूम कॉलिबेशन के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है इधर बाकी लोगों का, तो इसलिए मजबूरन जूम कॉलिबेशन करना पड़ता है। अभी जो बाबी ने इसको हॉलॉक बोलते हैं, थोड़ा प्लेन जगह है ना, तो उसमें बापू का मामी तो दिखाया था उस दिन ब्लॉग में, मैं देखा है ब्लॉग में ही देखा है। देखो रसीले लिप, बहुत सारा रसीले लिप। ये रसीले लिप जो है ना, आप लोकल चिकन बॉयल का होगा, फार्म चिकन में भी चलेगा, और उसमें डाल दो कत्ता चीज, इतना बढ़िया होता है ना। तो मन का मैं कुछ रसीले लिप लेगा बोल रहा है, और क्या है रसीले लिप तो है, बाकी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। कच्चू देखो, कच्चू बढ़ा रहा हो रहा है, लेकिन अभी इसको नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, इसका टाइम बहुत देर लगेगा। और वहाँ पे वो भी है ना मन क्या, मैं ये देखो लेमन बेसल भी ले लो, लेमन बेसल भी बड़ा बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं सावरंग। ये देखो खुशबूदार पत्ते, बहुत ही खुशबू होता है। ये पोशाक है क्या मन क्या, मैं नहीं है, सब सब टूटा टूटा है, लेकिन उसका आगा है देखो। पंपिंग का साग भी तो दिखाई दे रहा है, लेमन बेसल ले लेगा ना। ये बच्चूरी में देने से, मतलब बेम्बूसून में देने से टेस्टी होता है ये लेमन बेसल। इधर ऋषा आइए, आम ले लो, बना लो ना, ले लो हला मिले, आम ले लेना है तो ले लो। इसका देखो हालात कैसे हो गया, रब पसीना पसीना हो गया, बस थोड़ा बहुत ले लेंगे, कुछ भी नहीं। पोशाक देखो इनका, में कहाँ पे पोशाक है, पत्ते तोड़ेगा भैया का है, कुछ भी नहीं बोलेगा हम लोग को, हम लोग आराम से ले सकते हैं। ये जूम कॉलिबेशन का है, ये प्योर ऑर्गेनिक होता है दोस्तों। ऑर्गेनिक क्यों मानता हूँ मैं, क्योंकि इसमें दवाई बिल्कुल यूज नहीं करता है, इसमें दवाई वगैरह। लेकिन खेती में जो है, अगर खेती करने से पहले जो ग्रास वगैरह होता है, तो उसमें मरने के लिए वो आजकल वो दवाई यूज़ करता है, उसमें मरने के लिए ग्रास का जो दवाई होता है ना, उसमें पानी से इसे मारते हैं। लेकिन इसमें जूम कॉलिबेशन में मारने का जरूरी नहीं है, खाली काटते हैं, जलाते हैं, जलाने के बाद ये फेंकते हैं, फेंकने के बाद बारिश आ जाएगा, बारिश आने के बाद ये उग जाते हैं अपने आप। इसलिए ये सबसे ज़्यादा जूम कॉलिबेशन का जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, ऑर्गेनिक होता है एकदम, खेती से ज़्यादा, मतलब खेती में जो मिलता है ना उससे ज़्यादा। जैसे मेरा ससुमा का उधर में देखा होगा, मिर्ची वगैरह बैंगन वगैरह, वो भी ऑर्गेनिक नहीं मानता हूँ आजकल में, पहले ऑर्गेनिक था, अभी नहीं मानता हूँ, क्योंकि दवाई वगैरह निकल गया। ये सबसे ज़्यादा जो दवाई होता है ना दुनिया भर का दवाई, ये बांग्लादेश निकलता है मेरे ख्याल से, हाँ बांग्लादेश से ही मिलता है, नज़दीक है ना बांग्लादेश से। क्या क्या दवाई है बांग्लादेश में, दुनिया भर का ये दवाई है, वो दवाई है, ग्रास का दवाई आजकल जो खेती में मारते हैं, वो सब बांग्लादेश का ही आता है दवाई, इंडिया में मैंने अभी तक देखा नहीं। भाई ये लोग खाना खा के, खाना खाने के बाद ही 12 बजे ये लोग काम कर रहा है भाई, 12:30 बजे, 9 बजे से काम कर रहा है बोल रहा है, खाना खा के ऐसे धूम में भाई कैसे कर रहा है ये लोग। ये देखो ये आसान नहीं है भाई, और उसमें वो देखो कुएं है जो पानी का अभी नहा रहा है, उसमें आसान बिल्कुल नहीं है, ये इतना बड़ा संसार जैसा है, दुनिया जैसा है। देखो इतना बड़ा जूम कॉलिबेशन, इसको क्लीन करके रखना साल भर, पूरा साल भर, अभी से पूरा जब तक दान नहीं पकते, जब तक जान नहीं आते नहीं पकते, तब तक ये क्लीन करके रखना। इतना आसान नहीं है भाई जूम कॉलिबेशन करना, जो आसान सस्ता है ना, इसीलिए हम लोग पहले दुख दुख हम क्यों बोलते हैं, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। दुख बोलने से और मुश्किल को, जो मेहनत को बोलते हैं हम लोग दुख, मेहनत का काम बोलते हैं, मतलब दुख काम, काम बोल हम बोलने से हम लोग का बता से हम बोलने से काम को बोलते, मेहनत का काम, इसलिए पहले मेहनत करना पड़ता है इसे, बहुत मुश्किल है, मुश्किल का काम, मेहनत का काम, ऐसे सोच जाते हो दुख काम बोलने से। और ये जो है ना, ये जो लगा इसको बोलते हैं एराउस दोस्तों, ये चिकन के साथ खाने से इसका जो है ना, ये जो ब्रांच ब्रांच ही बोलूँगा मैं, इसका ब्रांच जो है बहुत ही टेस्टी होता है लोकल चिकन के साथ। हाँ हो गया, ये इसको बोलते हैं प्रोलसाक, ये प्रोलसाक जो है ये भी टेस्टी होता है। इसकी तरफ जाएंगे हम लोग, उस तरफ वो जो घर दिखा है उस तरफ जाए, लेकिन हवा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, पानी आ नहीं जो वो तो पानी पियेंगे थोड़ा, उसमें है बोल रहा था पानी। ये देखो गान सुन,
चुड़े काफी को अच्छे उस साइड का थोड़ा कम है रहा पैसा तो यहाँ से अच्छा अच्छा देखा है मैंने यहाँ से तोड़ेंगे बहुत बड़ा बड़ा पत्ते है। उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था ना दोस्तों यही उस दिन यहाँ से तोड़ के नहीं लेके गया जहाँ पे अभी अभी तोड़ा है वहाँ से तोड़ के लेके गया बहुत बढ़िया है मुझे बहुत पसंद है इसका जो रूत है ना सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है मुझे खाने में। इस साइड में भी है इस साइड में है कि नहीं है इसमें जो स्नेक गाद का साग हुआ है लेकिन अभी तक नहीं निकलना थोड़ा थोड़ा फूल निकल आया है स्नेक गाद का फूल और उस तरफ से है उस तरफ देखा है उस तरफ एक पत्ता एक ले लेंगे यहाँ से पूरा नंगा करेगा तो वो फिर से ग्रो होने का दिक्कत हो जाएगा उसको। इसमें भी है बहुत सारे यहाँ से एक तोड़ेंगे पत्ता और यहाँ से पत्ता एक बस हो जाएगा दोस्तों। अभी वहाँ पे जो घर देख रहे हैं ना दोस्तों उन लोग का जून से होकर वो पानी रास्ते से जाएंगे बहुत ज़्यादा गर्म है बोल नहीं सकते मतलब बोलने से भी कम है दोस्तों इतना गर्म है। मैं वहाँ से ना केसवा का पत्ते लिया था इतना अच्छा अच्छा है और पता नहीं किसने पोती किया है वहाँ पे इतना बदबू है मुझे पता भी नहीं था वहाँ पे जाकर देखा अच्छा है ना बहुत बढ़िया है व्यू जब धान का सीजन आएगा ना पकने का सीजन आएगा बहुत ही सुंदर दिखेगा टॉप में उतरेगा तो। और हम लोग बीच बीच में यहाँ जूम में आते रहेंगे क्योंकि भैया का जूम में हम लोग पिछले साल भी धान काटने के लिए मदद करने आया था और सिर्फ जूम जो सफाई करते हैं ना उस टाइम में नहीं आते धान काटने का टाइम में भी आया है और तिल होता है ना तिल का जो सीट निकालते हैं उस टाइम में भी आया है। जिस दिन बापू और मैं आया था ना दोस्तों भैया का जूम में उस दिन बापू जो दाव लेकर गया था देखा होगा मम्मा मुझे देखा हो काम कर रहे हो करके उस टाइम में हम लोग को पता भी नहीं था पूरा खेसाबाद जो जो उगाए थे ना सब खत्म खाद जितना था सब ही खाद दिया है उस साइड ऊपर साइड का तो लोग को मालूम भी नहीं है मुझे भी मालूम नहीं था खूब जाकर खाद दिया है बोल रहे हो बाबा उसको मत खा तो फिर बोल रही है पापा के लिए खाद रही हूँ पापा का फेवरेट है बोल रही है और इन लोग का जूम इतना बड़ा है कब से आ रही थी ये देखिए यहाँ पे अभी उन लोग का घर भी नहीं दिखता है इतना बड़ा है पूरा ये जूम है पूरा पानी से होकर अच्छा है ना जूम पता नहीं दो आदमी का इतना बड़ा जूम कैसे कर रहा है इसीलिए तो बहुत दिन लग रही है दो आदमी खाली मेन वाइफ वो इतना बड़ा जूम और ये जंगल जैसा हो गया था कोई इसको और क्लीन करना है ना वहाँ तक उन लोग का घर भी नहीं दिखता है ये इतना बड़ा क्लीन किया इन लोगों ने वहाँ तक और उस साइड भी ले लिया हाँ उस साइड का शायद वो नहीं है जूम नहीं है शायद वो पान बोलते हैं ना पान होदा बोलते हैं ना तो पान है लोकल पान वही होगा पता है जो जूम बड़ा बड़ा जूम खाता है ना उन लोग को जूम मतलब पसंद नहीं होता है बड़ा जैसे कि हम लोग का कपड़ा लेने के लिए ज़्यादा चाहिए ना इन लोग को भी जूम बड़ा बड़ा चाहिए छोटा छोटा होने से उन लोग को मन नहीं भरता है बड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि वो भी सही बात है क्योंकि बोलता है ना ये लोग अक्सर बोलते हैं ये लोग जो जूम कल्टिवेशन करता है ये लोग बोलता है कि पूरा साल तो लगता है छोटा होने से भी पूरा साल लगता है बड़ा होने से भी पूरा साल लगता है ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटा होने से जल्दी मिलता है हम लोग को पर बड़ा होने से भी वही टाइम छोटा होने से भी वही टाइम वही मेहनत क्यों ना हम लोग बड़ा करके काट ले तो मेहनत भी कर ले और धान वगैरह ज़्यादा भी मिले। पहुँच गया भाई सिर इतना वजन हो गया और मेरा भी ये लाल हो गया पूरा अभी अच्छा लग रहा है पूरा गर्मी हो गया ना सिर में पानी डालेगा देखो शेरा ये भी हम लोग का साथ क्यों आया है इतना गर्मी तो दूनते हाबी नदी का किनारे आ गया तो एक बेम्बूसुद मिला है जैसे हम लोग ढूंढता है गुच्छे बच्ची बोलते हैं दोस्तों थक भी गया मैं बोल रहा था ना मेरे को जल्दी बोला थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है मेरे को क्योंकि मैंने सुबह खाना खा नहीं सका सब्जी नहीं है ना तो इसलिए ये देखो
छोटा है, बप्पू का मम्मी को भी एक मिला है बोल रहा था। देखो इसका कूट के लेना पड़ेगा, इसको कूटना पड़ेगा। मिला है आपको एक, लोग कितना जरा लिखे गया, यहाँ से एक लिखे गया, वहाँ से लिखे गया। देखो बिम्बुसूर यहाँ पे हो गया था मुंतना में बिम्बुसूर, लेकिन लोग लिखे गया है। ये गड्ढे है देखो, ये देखो गड्ढे है, वहाँ पे देखो यहाँ पे भी गड्ढे है। ये देखो इसका छोटा है, मेरा तो बड़ा होगा। वो कोदो कितना पड़ता है आजकल, कितना पड़ता है। हला मिले भी देख रहा है, हला मिले ढूंढो शायद मिल सकता है क्या, गारंटी है सकता है ना। और कोटो नहीं होगा, नहीं क्या हो गया, हो माँ बोल के पसीना है ना आंखों में घुस सकता है, फिर जलता है। हो माँ बोलता है माँ को, माँ को याद आ गया, माँ पापा सब याद दिला देते ये धूम ने। नहीं मिला है, हला मिले नहीं है बोल रहे। क्या यार इतना दूर काटने के लिए मैंने, ये देखो बढ़िया है ना, लो गुस्सा इसमें आजकल ना बेमसूद अच्छे से नहीं देख। मन का आयुरा चला के वेट वाला मेरे को देता है, वो फटा वाला वो ले लेता है पतला जो है। ये मन का आयु मेरे को विश्वास नहीं करते, मैंने बोला है वहाँ से दिखाया मैंने एक बार, एक का देखो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे उठ जाओ कंफर्म करके मिलेगा आपको एक, लेकिन मैं दिखाई। अच्छा करके काटना, बहुत मेहनत से मिलता है भाई, सबसे ज़्यादा टेस्टी वाला। शाम को तो मज़ा से खाएंगे, कितना बड़ा है वो देखो। हाँ थोड़ा दिखाओ मन का आमी, तरह धोएगा। यही सबसे बड़ा टेस्टी वाला दोस्तों, यही ढूंढते हैं हम लोग। एक चुवा चुरी हला मिले को अभी तक एक भी नहीं मिला है, कोई बात नहीं, हम लोग को अगर ज़्यादा मिलेगा तो हला मिले को भी दे देंगे। तो अभी हम लोग बेमुसूर थोड़ा मिल रहा है दोस्तों, चार मिल गया है। और एक देखा है मैंने, देखो ये बड़ा है लेकिन गोरा है, गोरा बच्चू इतना लंबा नहीं हुआ है लेकिन बड़ा है। देखो काटो मन का आम, इससे आगे में एक मिला था, ऐसे काटना पड़ेगा, ऐसे काटना पड़ेगा ना। दे दो दे दो, मैं काट लेता हूँ। ऐसा वाला ढूंढ रहा था भाई हम लोग, काटेगा मेरे को दे दो, वहाँ से मुश्किल होगा, दे दो। मैं काटूंगा नहीं, वहाँ से नहीं, से नहीं होगा, यहाँ से काटो ना। इतना तक होने से भी सही है ना, ये देखो बड़ा है, पास तो मिला ना, ये नहीं देखा है नहीं देखते ही। अब आगे आगे आ रहे हैं ना, और ढूंढेंगे और मिलेगा सर, मिल सकता है, ये ढूंढ लेते हैं भाई, बहुत ही मुश्किल है भाई। जाने के टाइम में ढूंढा था और वो नहीं देखा है, और आने के टाइम में वापस आने के टाइम में मैं देखा है एक, कितना बड़ा है देखो। हम लोग बहुत मिला है ना, एक बार खाने के लिए आराम से हो जाएगा। ऊपर ऊपर काटो थोड़ा, इतना भी मत काटो यार, नया नया है ना, तो मन काम ही सोच रहा है कि थोड़ा सा भी मिस होना नहीं चाहिए, सब खाएंगे बुढ़ा सब बुरा पूरा। हम लोग का पीछे पीछे बहुत सारा बच्चा बेमुसूर ढूंढने के लिए आया था, तो इन लोग को भी मिला है, दिखाता हूँ। ये देखो कितना मिला है इसको भी, ये टेस्टी वाला बेमुसूर लगभग 8-9 मिला है उसको भी, इसको बोलते हैं टेस्टी वाला बेमुसूर। ये भी आया है, औसदिपगन है इसका नाम, औसदिपगन बेमुसूर ढूंढने के लिए आया दोस्तों, सोच सकते हो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बेमुसूर ढूंढने के लिए आया है। तो हम लोग क्या है सास में, उसका नाम अजय है, देवगान तो नहीं है, अजय है उसका नाम, इसलिए बोल रहा हूँ औसदिपगन। बप्पू का मम्मी किधर गया, अभी जाएंगे हम लोग। हम लोग सोच रहे थे बेमुसूर कहाँ जाता है, ये सब अम्पूरी ने खा देता है, वो देखो वो आगे आगे जा रहा है ना, बोल रहा है कल थोड़ा सा ढूंढा है उसने, 20 मिला है उसको नीचे में। अम्पूरी, उसका नाम अम्पूरी है, उसका भाई का नाम उमरीशपुरी है, बड़ा भाई का नाम, इसलिए इसका नाम अम्पूरी रखा है। वैसे भी सही में उन लोग का नाम उमरीशपुरी और अम्पूरी है दोस्तों। और ऊपर तरफ जाएंगे शायद ये लोग ढूंढने के लिए, हम लोग नहीं जाएंगे, अभी ऊपर से आया है भाई। इतना सारा लोग बेम्बूसूर ढूंढने के लिए आया ना, और ये लोग भी ढूंढने के लिए आए, इतना सारा मिला है इन लोग को।
माय गॉड, ये हुडू में यू कहाँ मिला है? ना लम्बा लम्बा मिला है ना, मन क्या मैं खाली हम लोग को नहीं मिला है भाई। तो हुडू तो क्यों जीवन ये लम्बा लम्बा उन्होंने भी होएगा ये दिली अभी हम लोग मेन मातृसरा में पहुंच गया। जाने के टाइम में पूरा क्लीन था मातृसरा, और आने के टाइम में पूरा गंदा है। ऊपर में जेसीबी नहीं और पानी को ये कर रहा होगा, ये जाते जाते सूख गया। इसमें मछली घूम रहा है मन का। तो अभी कितना मिला है मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। ये पानी बढ़ते जा रहा है पानी, ये देखो कैसा हो गया पानी पूरा एकदम। जाने के टाइम में छोड़ के गया था हम लोग, पूरा एकदम एकदम क्लीन है। अभी देखो दूध की जैसा, अभी देखो हम लोग का भी मुसुत। ये तो अलग है दोस्तों, ये तो अलग है मिदिंगा, मिदिंगा। ये मिदिंगे हैं, ये अलग है। कौन सा मिदिंगे? और रखो ये भी मिदिंगे हैं, ये भी मिदिंगे हैं। खाली चार तू लेके आए मिदिंगे, ये टेस्टी होता है ये भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये टेस्टी होता है। ये देखो ना मिला है हम लोग नहीं ना आया दोस्तों, जा रहे हैं हम लोग, घर में ना आएंगे। पानी कितना कचरा है तो इसलिए घर में जाके नहाएंगे। बंजू जुब भी नहीं धोया हम लोगों ने, और टाइम भी हो चुका है, 3 बजने वाला है अभी। हाँ बारिश, भूख लग रहा है देखो, भूख लग रहा है मुझे तो, भूख भी नहीं लग रहा तो क्या दे रही है। हाँ इतना धूप है ना, थोड़ा खाना खाना। हाँ ऐसे जाकर अभी पहुँच गया है घर में दोस्तों, और आके ही इतना खाला कर लिया है ना। देखो पूरा हवा चल रहा है, अभी बारिश देगा कंपम करके। कारण भी नहीं है घर के अंदर, अभी मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है, 17% है। अभी पावर बैंक से ही काम चलाना पड़ेगा, चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बेम्बूसू तो दिखाया, ये वहाँ पे धोया भी नहीं है हम लोगों ने। हाँ मैं निकाल देता हूँ और एक बार ना सुसुआ रहा है, करो ना सुसु। ये देखो इतना सारा, ये इसको छोड़ के, इसको छोड़ के तीन शायद, हाँ तीन को छोड़ के बाकी सब अच्छा वाला है। ये चार तो छोड़ के या छोड़ के ये वाला है, ये मज़ा सिखाएंगे देखो। और अभी चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। नहाना भी पड़ेगा, वहाँ पे नहीं नहाया हम लोगों ने। अभी पप्पू का मम्मी शायद पानी उठा दो के, हम मैंने फ्रेश अप होने के बाद मैंने ड्रेस को चेंज किया है दोस्तों, और अभी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आया हूँ। अभी थोड़ा धूप आ गया है, बारिश देने वाला था, तो आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा ब्लॉग को कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली बार चैनल को विजिट कराए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, बाय बाय।